हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पलजाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव इन 7 के कैश प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। मीन्स 700 रुपए हैं जिसके 7 बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करने, मीन 7 बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, तो जो 7 बच्चे होंगे उसमें 20-20 हर में लेस होता जाएगा हर किसी में। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि उसका टोटल प्राइस क्या होगा। तो देखिए, हम वन प्राइस को लेट कर लेंगे एक्स। ओके, वन प्राइस हमने लेट कर लिया एक्स। ओके, अब हम एक्स में 20-20 माइनस करते चलेंगे। फर्स्ट तो रहेगा एक्स, फिर एक में 20 माइनस होगा, एक में 40 माइनस होगा क्योंकि 20 बढ़ता चला जाएगा, एक में 16, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक हो जाएगा 700 तक। ये हो गया हमारी A1, A2, A3, A4, चलता 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 A, आप इसको SN भी लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको इसी फॉर्मूले से। SN के SN का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2A प्लस में N माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हमारा SN क्या होगा, 700 इक्वल टू में N क्या होगा, टोटल 7 बच्चे हैं और 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई A किससे होगा, X से, प्लस N क्या है हमारा 7 माइनस 1 हो जाएगा, D क्या है हमारा माइनस 20। ओके, माइनस 20 D है हमारा। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब देखिए, जो आगे वाली टर्म हम इसको अपोजिट कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मीन 700 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा अपॉन में 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 200। इसको करते हैं, ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 6 आ जाएगा 1 माइनस करके, मल्टीप्लाई में माइनस 20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 20, 200 यहाँ पे रहेगा 2x प्लस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस में 120। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो ये माइनस का 120 इसको 200 के पास लेके जाएंगे, 200 माइनस का प्लस का हो जाएगा 120 इक्वल टू बचेगा 2x, तो इसमें से प्लस करेंगे तो 13 नो ये आएगा 320। जब इसको ऐड करेंगे देखिए 0 2 3। ओके, ये हो जाएगा और इक्वल टू में 2x हो जाएगा क्योंकि 2x है यहाँ पे। अब हम x को इधर रहने देंगे, इक्वल टू में 320 ऑलरेडी है, अपॉन में 2 ले लेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, 0 का 0, तो x की टर्म आई है हमारी 160। x की टर्म 160 आई है। अब हम इसमें माइनस 20-20 करते चले जाएंगे। ओके, सो x की हम पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये हो जाएगी। तो फर्स्ट की 160, सेकंड को जाएगी 140, उससे की जाएगी 120, फिर हो जाएगी 100, 80, 60, 40, तो ये होगी कॉस्ट प्राइस। ओके, मींस प्राइस की कॉस्ट होगी ये, फर्स्ट स्टूडेंट कितनी, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन की, तो सिर्फ हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। थैंक्स।